दोस्तों, अगर आप ही उमरान मलिक और महेंद्र सिंह धोनी को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उमरान ने जानलेवा गेंदबाजी कर दहलाया न्यूजीलैंड का खेमा। अपनी आग उगलती हुई गेंदों से किया न्यूजीलैंड के दो सबसे बड़े बल्लेबाजों का शिकार, तो दंग रह गए महेंद्र सिंह धोनी। और भारत की हार के बाद इस युवा खिलाड़ी के जोश और प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए धोनी ने जो कुछ भी कहा उसे सुन आप भी इन दोनों को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर कैसे धोनी ने उमरान को बता दिया भारत का भविष्य और क्या कुछ कहा उन्होंने, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित धोनी और कोहली में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने अपने 2023 वनडे विश्व कप के सफर की शुरुआत कर दी है, जहां ऑकलैंड के मैदान पर हुआ जबरदस्त घमासान। कई खिलाड़ियों ने इस मैच में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जौहर दिखाया। और आपको बता दें कि इन सब में सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहे हैं भारत के युवा गेंदबाज, जिसे रफ्तार का सौदागर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि उमरान मलिक है, जिसे हर बार नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन जैसे ही इस खिलाड़ी को मौका मिला, उसने अपनी कहर बरपाती हुई गेंदों से न्यूजीलैंड का दिल दहला दिया, उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए उमरान मलिक ने न्यूजीलैंड के दो खतरनाक बल्लेबाजों डेविड कॉनवे के साथ डेरिल मिशेल को भी अपना शिकार बनाकर उनकी बल्लेबाजी को कमजोर करने की कोशिश की और भारत के लिए आखिरी दम तक लड़ाई की। लेकिन ये जाबाज खिलाड़ी हमें अंत में जीत नहीं दिला पाए। पर दोस्तों, भारत ने मैच जरूर न जीता हो, लेकिन इस युवा ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। हर तरफ उनकी अद्भुत प्रतिभा की जमकर तारीफ हो रही है और उन्हीं में से एक नाम है भारत के सबसे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जो बाकी लोगों की तरह उमरान मलिक की जानलेवा रफ्तार देखकर दंग रह गए हैं। और उन्होंने मैच खत्म होने के बाद भारत की हार और इस खिलाड़ी के लिए जो कुछ कहा है उसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इस हार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टेंशन ना लें, शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है और सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया है। इस हार का कोई दोषी नहीं है, ये तो खेल है। न्यूजीलैंड ने बस हमसे थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाया और क्या, और हमें इस मुकाबले में हरा दिया। बस हम जोरदार वापसी करेंगे। और आज के इस मैच में उमरान मलिक ने जिस तरह से गेंदबाजी की है वो सच में काबिले तारीफ है। उनमें प्रतिभा है ये तो सब जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया ने इस खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन को देखा। जहां इतने लंबे समय बाद खेलते हुए पहले ही मैच में इतनी धारदार गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है और इतनी अधिक रफ्तार को संभाल पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन उमरान के पास रफ्तार के साथ साथ गेम का परफेक्ट टेम्परामेंट भी मौजूद है, जो उन्हें एक मैच विनर खिलाड़ी बनाता है और जो पूरी दुनिया पर राज करने वाला गेंदबाज बन सकता है। तो दोस्तों, धोनी के इस दिल जीत लेने वाले शब्दों के बाद आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक इस वनडे सीरीज में कितने विकेट ले पाएंगे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।